Hello Bajum, let's read the question. Question says, there is a conflict between development and the need for conservation of natural resources. As a result, trees are cut down to build housing, colonies, industries, highways, etc. In this process, a lot of biological wealth is lost. Hence, there is a need to conserve resources to prevent extinction of species. one of the conservation effort is to identify and protect biodiversity hotspots answer the following questions mention a biodiversity hotspot that is present in our country तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है तो उन्होंने बताया कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड नीड फॉर मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है उसका रिजल्ट है कि ट्रीज़ कट डाउन हो रहे हैं हाउसिंग कॉलोनीज बनाने के लिए इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हाईवेज़ बनाने के लिए और बहुत सी इसमें बायोलॉजिकल वेल्स का लॉस भी हो रहा है तो हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है प्रिवेंट करना है एक्सटिगशन ऑफ स्पीशीज़ को और वन ऑफ द कंजर्वेशन एफर्ट इज़ टू फाइंड द एंड प्रोटेक्ट और हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को क्या करना है प्रोटेक्ट करना है आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि हमें उन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम बताने हैं जो हमारी कंट्री में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है क्या हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है ऐसे रीजन्स जहां एक्सट्रीमली हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी हो रीजन्स विथ एक्सट्रीमली हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी फिर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सी होंगी एंडेमिक स्पीशीज मिलेंगी मतलब ऐसी लोकल स्पीशीज जो सिर्फ वहीं मिलें और यहाँ पे क्या हो सिग्निफिकेंट थ्रेट हो ह्यूमन एक्टिविटीज से थ्रेटन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज हम बात करेंगे कि ग्लोबल हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं और कितने हैं देर आर थर्टी सिक्स रिकॉगनाइज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ग्लोबली हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं इनमें से हम कुछ के नाम यहां लिख रहे हैं इसमें से एक होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट अमेजोन रेन फॉरेस्ट अब हम बात करेंगे कि हम किस ए, आ, क्या क्राइटेरिया होगा एक हॉटस्पॉट को बनाने का कि हम इसे माने कि ये हॉटस्पॉट होना चाहिए तो को, आ, कोई भी बायो हॉटस्पॉट बनने के लिए क्वालिफाई करेगा उसके लिए रीजन में एटलीस्ट वन थाउन तो, फाइव हंड्रेड एंडेमिक प्लांट स्पीशीज होने चाहिए रीजन मस्ट है फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड एंडेमिक क्लास स्पीशीज पहला क्राइटेरिया हो गया और यहां पर सेवेंटी परसेंट इटली सेवेंटी परसेंट Lost होना चाहिए ओरिजिनल हैबिटेट का तो लॉस ऑफ एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ एक्ट ओरिजिनल हैबिटेट अब हम बात करेंगे कि हॉटस्पॉट जो हमसे एक्चुअल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हॉटस्पॉट जो इंडिया में प्रेजेंट है सो देर आर फोर हॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया तो सबसे पहले हम बात करेंगे द हिमालय सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स थर्ड इस्डो वर्मा

तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये क्या है क्रू, क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन क्यों क्रूशियल है क्योंकि ये रिच है बायोडाइवर्सिटी में और इन्हें एसेंशियल और यहाँ पे क्या है रिच है बायोडाइवर्सिटी में और यहाँ पे क्या है सबसे हाई लेवल ऑफ थ्रेड फेस करते हैं इसीलिए क्या है इसे एसेंशियल है प्रिजर्व करना या कंजर्व करना फॉर well, कंजर्वेशन तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से कि मेंशन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन आर कंट्री तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो हॉटस्पॉट इंडिया में प्रेजेंट है वो हो जाएंगे द हिमालयास वेस्टर्न घाट्स इंडो वर्मा एंड सेंडर लैंड सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक